रामगंज थाना क्षेत्र के सोमलपुर गांव में एक प्लास्टिक कारोबारी के अपहरण और 20 लाख रुपए की फिरौती वसूले जाने की घटना के विरोध में आज गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। आगामी कार्रवाई के लिए संत कंवर राम धर्मशाला पड़ाव में बैठक का आयोजन किया गया। इस घटना ने व्यापारी समाज के लोग और आम जनता में भारी आक्रोश पैदा किया है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधि इसमें शामिल होकर अपने विचार साझा किए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आज जो हमने जो यहाँ पर पूरे अजमेर व्यापार महासंघ श्री व्यापार महासंघ की तरफ से और दूसरे भी जो संघ यहाँ पर मीटिंग रखी है कि विगत जो कल जो यहाँ पर जो घटना हुई है कि व्यापारी से उसे फिरौती मांगे अपहरण करके उसका फिरौती मांग रहे हैं 20 लाख 40 लाख रुपये, वो बहुत निंदनीय है। इसके विषय के अंदर हमारी जो अपने मीटिंग बुलाई गई है यहाँ पर और हम कल जो ज्ञापन देने जाएंगे उसके अंदर खास तौर पर लिखेंगे कि अगर 3 दिन के अंदर इनको जिसने भी ये काम किया है जिन भी असामाजिक तत्वों ने जो काम किया है उसको शीघ्र पकड़ा जाए। हम 3 दिन का उसको नोटिस देते हैं, नहीं तो सोमवार से लेके हम एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कल सोमलपुर में एक आपराधिक घटना हुई इसके साथ जिसका अपहरण कर बंदूक की नोक पर ले गए, जिससे 20 लाख रुपये फिरौती मांगी। उसने 20 लाख रुपये दे के अपने आप को छुड़ाया और वह थाने में रिपोर्ट की। आज उसकी एक व्यापारियों ने सबने संत कंवर धर्मशाला में मीटिंग रखी, काफ़ी व्यापारी वहां पर एकत्रित हुए और कल ज्ञापन कलेक्टर को SP को ज्ञापन देने का है। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अजमेर बंद का भी आह्वान होगा। आज जो कल आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अखबारों के माध्यम से आप लोगों को पूरे शहर वालों को जानकारी है, सोमलपुर में एक व्यापारी जो ही नरेश कुमार व्यापारी है उसके साथ किसी अज्ञात मतलब बदमाशों ने जो कि वहाँ के HS कहलाते हैं उन्होंने पिस्तौल की नोक पे 40 लाख की फिरौती की मांग करी। उसमें 20 लाख इससे पहले मांगे, 20 लाख बाद में मांगे और यही नहीं, एक पहले एक जना आया उसने पिस्तौल दिखाई, उसके बाद 3 जने और आए, इसके बाद और पिस्तौल दी और धमकी भरे शब्दों में कहा 20 लाख रुपये दे नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। तो उस विषय में आज सभी अजमेर के व्यापारियों ने एक मीटिंग आम मीटिंग रखी, उसमें श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के हमारे पदाधिकारी मौजूद रहे और बड़े बुजुर्ग जैसे हैं यहाँ और भी शहर के कमल प्रकाश कृष्णाजी जी है और भी लोग ऐसे आए यहाँ पे और हमने एक मीटिंग करी। मीटिंग में तय किया गया सोमलपुर इलाके में एक तो चौकी नहीं है तो हमें चौकी की मांग करनी है और आए दिन व्यापारियों से जो लूटमार की घटना होती है, फिरौतियाँ मांगी जाती है, उसके विषय में हम हमारी रणनीति तय करेंगे 3 दिन में। कल एक में ज्ञापन देंगे SP साहब कलेक्टर साहब को और उसके बाद अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आज आप ये देख लीजिए व्यापारियों में व्यापारियों की एकता आपने देखी, आज तो ये छोटी सी मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग अजमेर का हर व्यापारी, व्यापारियों के दम पे सरकारें चलते ही व्यापारी सबको कमा के देता, GST हम भरते हैं, टैक्स हम भरते हैं, उसके बावजूद भी हर तरह से व्यापारी को पीसा जाता है। तो हमने आज निर्णय करा है अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र रूप श्री अजमेर व्यापारी महासंघ और अजमेर के सारे व्यापारी लघु उद्योग भारती वाले मिलकर कल हम 11 बजे सुबह SP साहब को कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाएंगे।